हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वीवो फ़ोन की डिस्प्ले वाइट हो जाती है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल के पावर बटन को, जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, और वॉल्यूम अप और डाउन बटन को, जिससे आवाज़ ज़्यादा और कम करते हैं, इन तीनों बटन को एक साथ दबा कर रखना है 10 से 15 सेकेंड के लिए। जैसे ही आप इतना करते हैं, आपका फ़ोन रीस्टार्ट मोड में जाकर चालू हो जाएगा, खुल जाएगा, फिर आप उसे चला सकते हैं। अगर इस तरीके से चालू नहीं होता है तो फिर क्या करना है, मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम अप बटन जिससे आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 10 से 15 सेकेंड के लिए दबा कर रखना है, जिससे आपका फ़ोन रीस्टार्ट मोड में जाकर चालू हो जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। अब गाइस देखिए, अगर इस तरीके से भी सही नहीं होगा तो एक तीसरा तरीका भी है, मोबाइल का पावर बटन जिससे मोबाइल लॉक करते हैं और वॉल्यूम डाउन बटन जिससे आवाज़ कम करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ 10 से 15 सेकेंड के लिए दबा कर रखेंगे तो आपका फ़ोन रीस्टार्ट मोड में जाकर खुल जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। देखिएगा, इसमें मैंने अलग अलग तरीका इसलिए बताया है क्योंकि अलग अलग मॉडल होते हैं फ़ोन के, तो अलग अलग सेटिंग्स भी होती है, इसीलिए मैंने तरीका आपको बताया। इन तरीकों में से आपका फ़ोन किसी न किसी तरीके से खुल जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी, फिर आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं। गाइस देखिए, जैसे ही आपका फ़ोन खुल जाता है, आप चलाते हैं, तो टाइम टाइम पे आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट भी कर लेना। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, तो मोबाइल का जो पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, उस बटन को 5 सेकेंड के लिए दबा कर रखना है, तो आपके फ़ोन में रीस्टार्ट नाम का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ होकर अपने आप ही स्विच ऑन हो जाएगा और जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।